सतवास तहसील के काटाफोड़ थाना परिसर में हिंदू जागरण मंच विश्व हिंदू परिषद ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर गो हत्या के मामले में धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के साथ ही रासुका लगाने की मांग की। शुक्रवार को हिंदू संगठन के नागरिकों द्वारा धरना प्रदर्शन कर एडिशनल SP सूर्यकांत शर्मा को ज्ञापन दिया गया। बुधवार रात को समीप के गांव लेहकी बेसुन में गोकशी का मामला सामने आया था, जिसके चलते हिंदू जागरण मंच विश्व हिंदू परिषद संगठन के लोगों ने काटाफोड़ थाने पर पहुंचकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। संगठनों द्वारा थाना परिसर में नारेबाजी करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। सतवास से जीतू सिंगी की रिपोर्ट। परसों भैसून में गाय कटने की सूचना मिली थी, जिसमें थाने पे 7 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका कहना है शेष आरोपियों को भी गिरफ्तार करें और इनके खिलाफ़ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और इनके जो अतिक्रमण जमीन है उनको उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो हमने पुलिस टीम भेज दिया, शेष आरोपियों को भी आज हम गिरफ्तार करने के लिए और जो भी तहसीलदार से इस अतिक्रमण संबंधी जानकारी लेके कार्रवाई करने का हमने आश्वासन दिया है और सभी आरोपियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, ऐसा हमने उनको आश्वस्त किया। सर ये चूँकि गौ वाली घटना है और ये बहुत भावनात्मक घटना होती है, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत ही आरोपियों पे कार्रवाई की गई। सर इन लोगों का कहना है कि हमें हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।